अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये शिवशरण नाम का अपराधी है और विगत दिनों में एक वारदात हुई थी जहां पर एक डिप्टी रेंजर थे, वो सूचना के ऊपर फोराबार थाने पे अवैध कटान पे मौके पर गए थे, जहां पर इन्होंने इनके ऊपर जो शिवशरण है इन्होंने फायर किया था। डिप्टी रेंजर को इसमें गोली लगी थी और उसके बाद अभियोग पंजीकृत किया था खोराबार थाने में। घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। 2 अभियुक्त इसमें फरार थे, जिसके अंदर आज जो शिवशरण जिनको जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है ये भी थे। इनके 25,000 रुपये का इनाम था। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अभी विगत दिनों में ये मर्डर के केस में भी जेल में गए थे, छूट के आए थे। और भी फॉरेस्ट एक्ट के मुकदमे 2010 से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। आज जब पुलिस को इस बारे में सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस ने जब इनको अप्रीहेंड करने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और आत्मरक्षा जब पुलिस की फायरिंग हुई तो इनको बुलेट इंजरी हुई है। इनको मेडिकल कॉलेज ट्रीटमेंट के लिए लेके गए हैं और बाकी इसके अंदर विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बेसिकली एक वन माफिया टाइप है। फॉरेस्ट एक्ट के इसके अंदर काफ़ी मुकदमे जैसा मैंने बताया और अभी इसके अंदर इस घटना में एक वांछित अभी और है और उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। कुछ पुलिसकर्मी के भी घायल होने की सूचना है और उनको मेडिकल कॉलेज कराया जा रहा है। किसी की सिचुएशन अभी क्रिटिकल या इस तरह की नहीं है, स्थिति सामान्य है। इनके पास अवैध असला भी बरामद हुआ है जो अभियुक्त हैं और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और इनसे पूछताछ के बाद ये जानकारी भी हासिल की जाएगी कि इस घटना में कोई और तो इन्वॉल्व नहीं था और घटना के बाद ये कहाँ कहाँ फरार है। इनके शरणदाताओं की भी कार्रवाई की जाएगी।